हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। चार्ल्स गैलोवे सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे आराम से, अच्छे से। आपको ये सेशन के बाद ये इस टॉपिक में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। सो देखिए, गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, हमने एक और इंटरेक्शन एनालिसिस का सिस्टम पढ़ा है जो था फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कैटेगरी सिस्टम। ये भी कैटेगरी सिस्टम ही है, ठीक है। तो चार्ल्स गैलोवे ने दिया था ये इन फॉर्म ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक, यानी जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, मान लीजिए बीएड या एमएड में जब टीचर्स से पढ़वाया जाता है, जो एक तरीके से प्यूपिल टीचर हम बोल देते हैं, सो वहां पे कैसे आप जो है टीचर की जो ट्रेनिंग है उसकी टेक्निक के बारे में इन्होंने बात की है कि कैसे टीचर पढ़ा रहा है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वो चीजें ये बताते हैं। कैटेगरी टाइप सिस्टम है ये भी, जैसे कि फ्लैंडर का था। फ्लैंडर ने 10 कैटेगरीज दी थी अगर आपको याद हो, तो वो 10 की 10 कैटेगरीज भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और वो 10 कैटेगरीज किस से रिलेटेड थी? वर्बल बिहेवियर से रिलेटेड थी, यानी टीचर के वर्बल बिहेवियर के बारे में, टीचर या स्टूडेंट के, जैसे जो 10 कैटेगरीज में हमने बात की थी, वो सारी चीजें भी गैलोवे सिस्टम में इंक्लूड की गई, ठीक है। सो गैलोवे ने क्या किया, चार्ल्स गैलोवे ने, कि खुद की कैटेगरी, मतलब इन्होंने वर्बल की कैटेगरीज तो यहां से उठा ली जो फ्लैंडर की थी, और नॉन वर्बल की कैटेगरीज खुद दे दी। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो है टीचर का क्लासरूम के अंदर, उसको जो है क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये सिस्टम दिया गया, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। कुछ एक अजम्पशंस हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। मेजर अजम्पशन क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो एक टीचर करता है क्लास में, उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, ऐसा इनका मानना है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया। एज वन कांट सी वेन ही और शी बिहेव, सो फीडबैक इज नेसेसरी फॉर द बिहेवियर। तो जो भी आप बिहेव करते हैं क्लास में, उसके लिए नेसेसरी है क्या करना, उसका इंटरेक्शन होना, यानी कि टीचर कैसे रिएक्ट कर रहा है, फीडबैक कैसे मिल रहा है। नॉन वर्बल क्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज दे कैन रेनफोर्स एंड कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को लगा कि बच्चे को जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया, या उसने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं कि थपथपा दी उनकी पीठ, तो पीठ थपथपाने में उन्होंने बोला नहीं कुछ, राइट। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से नॉन वर्बल बिहेवियर हुआ ना। तो वहां पे क्या होता है, एक रेनफोर्समेंट और मोटिवेशन जो है बच्चे को वहां से मिल सकता है। तो नॉन वर्बल क्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार दूसरे वे में भी होते हैं कि आपने जो है, आप टीचर का ऐसा कुछ था नहीं इंटेंशन, बट स्टिल बच्चे ने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया उनके नॉन वर्बल बिहेवियर से, या उनके एक्सप्रेशन से, या उनके एक्शन से, राइट। इसलिए चार्ल्स गैलोवे का कहना है कि टीचर की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज हैं, या जो इंटरेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। सो क्लासरूम के दौरान जब चीजें हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। Becoming aware of his non-verbal events occurring around us, one can achieve a better understanding of himself. So, जो non-verbal events आपके आसपास हो रहे हैं, आप उनसे aware रहे, तो वो एक better understanding आपको देगा। Training of teachers enhances the aspect of non-verbal communication in teachers. System is based upon the theory of modification of teachers' behavior. So, modification हमें करना है, उस basis पे हैं ये सारी की सारी चीजें। So, major assumption क्या है कि non-verbal communication बहुत important है और वो एक effective role play कर सकता है। चार कंपोनेंट्स की ये बात करते हैं। एक हो गया वर्बल इंटरेक्शन, दूसरा हो गया नॉन वर्बल इंटरेक्शन, और वर्बल में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। ऐसे ही नॉन वर्बल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। तो इनडायरेक्ट में क्या था कि डायरेक्टली नहीं हो रही हैं चीजें, ठीक है, जैसे टीचर पढ़ा रहा, जो हमने क्या कहते कि टीचर ने कुछ एक फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली बच्चे की, या उनका आइडिया जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट तो हमने दो तरीके चीजें पढ़ी थी ना, इसमें फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम था, उसमें हमने क्या किया था, इनडायरेक्ट टॉक की बात की थी, डायरेक्ट टॉक की बात की थी, ये टीचर टॉक हो गई, फिर हमने प्यूपिल टॉक की बात की, प्यूपिल टॉक के बाद जो दो कैटेगरीज प्यूपिल टॉक में थी, उसके बाद हमने साइलेंस या जो पॉज होता है, कंफ्यूजन होता है, उसकी भी बात की, राइट। सो ये चार कंपोनेंट्स की हमने बात की थी। अगर फर्दर डिटेल में बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन में एक होंगे टीचर, एक प्यूपिल हो सकते हैं। टीचर में फर्दर कि टीचर इनिशिएट कर रहे हैं किसी चीज को या रिस्पोंड कर रहे हैं,
ये जो ए बी सी ये है ये सिर्फ एक नंबरिंग या कैटेगरी देने के लिए है कि जो ए वन है वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ए टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ए वन में वर्बल में फर्दर क्या हो सकता है, बी वन और बी टू यानी टीचर हो सकता है या प्यूपिल होगा, ठीक है। टीचर इनिशिएट कर रहा है चीज को या रिस्पोंड कर रहा है उस चीज के लिए, या फिर प्यूपिल जो है वो उसका बिहेवियर कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो वो ओवरऑल चीजें यहां पे आ जाएंगी। टास्क के बारे में बात करें, ऑन टास्क ऑफ टास्क, ऑन टास्क में फर्दर दो आ जाएंगी, कॉज्ड बाय टीचर या फिर कॉज्ड बाय प्यूपिल, या ऑफ टास्क की बात करें तो डिसरप्टिंग या फिर नॉट डिसरप्टिंग, राइट। सो ये जो है फर्दर कैटेगरीज आ जाएंगी जो आप एक बार देख सकते हैं। ये हमने बात की थी फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस जो था हमारा कैटेगरी सिस्टम, उसमें ये 10 कैटेगरीज थी। अब कमाल की बात क्या है कि ये जो 10 कैटेगरीज हैं ये तो गैलोवे के सिस्टम में रहेंगी ही, ठीक है। 10 की 10 यानी एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज या एनकरेजमेंट, एक्सेप्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं पीपल के आइडियाज को, या उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, या क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, या पीपल टॉक रिस्पॉन्स, या फिर पीपल टॉक कर रहा जब इनिशिएट करना कोई चीज पूछनी है, या साइलेंस या पोज। सो ये हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ साथ जो और कैटेगरीज इन्वॉल्व रहेंगी, जो हमने बात की ना एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग की, सो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। वो ये 10 कैटेगरीज हैं। कैसे हैं? जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सेप्ट फीलिंग्स, यहाँ पे क्या रहेगा, या आप जो फीलिंग्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से खुले दिल से एनकरेज करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो वो एनकरेजिंग पार्ट हो गया। और एक रेस्ट्रिक्टिंग पार्ट रहेगा इनडिफरेंस, यानी डिफरेंट आइडियाज हैं आपके, ये आपका मन नहीं है वो एक्सेप्ट करने का, आपने सिर्फ सुन लिया है बेमन के, या रुचि नहीं है आपकी, सो वो चीजें रहेंगी। मतलब एक एक कोई भी चीज है यहाँ पे जो ये चीजें दे रखी हैं कि आप प्रेज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, या कोई भी चीज, उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, एक तो एनकरेज करने के एस्पेक्ट से हो सकती है पॉजिटिवली होगी जो चीज, एक होगी रेस्ट्रिक्ट करने के एस्पेक्ट से। और वो चीजें कहाँ दिखाई देंगी आपको, वो नॉन वर्बल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में, इन सब चीजों में दिखाई देंगी। जैसे कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप किसी चीज को, या परफंक्टरी है, यानी कि आप एक तो इंप्लीमेंट हो गया, इंप्लीमेंट मतलब आपने जो आइडिया बच्चे ने दिया है आप उसको बहुत खुशी से अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक आपका मन नहीं है बट स्टिल आप इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। एक हो गया पर्सनल, एक इम्पर्सनल, ऐसे ही रिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव, जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं उस दौरान आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अभी मत पूछिए, राइट। एक इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो डायरेक्शंस दी जा रही है उनमें एक इन्वॉल्वमेंट है, एक डिसमिस है, एक रिसेप्टिव बिहेवियर है जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक अटेंटिव बिहेवियर है, दो चीजें हो गई। ऐसे ही प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स में भी या तो रिसेप्टिव तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं या इन अटेंटिव वे में, मतलब आपने अटेंशन नहीं दी बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ऐसे ही जब बच्चा पूछ रहा है तो फर्म है आप या हार्श है, या कंफर्ट है या फिर डिस्ट्रेस है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये चीजें किस में रहेंगी, नॉन वर्बल बिहेवियर में आपको दिखाई देंगी। तो जैसे हम क्या करते थे फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में, हम जब एनालाइज करते हैं चीजों को, कैटेगरीज को, सो उस टाइम पे हम क्या करते थे, नोट डाउन करते थे, राइट। सो उस नोट डाउन में अब हमें नॉन वर्बल बिहेवियर को भी कंसीडर करना है। ऑल्दो इसमें वही डिलिमिटेशंस भी हो जाएंगी कि आप नॉन वर्बल बिहेवियर आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि टीचर को कैसे किस तरीके से वो बात कर रहे हैं या कैसा उनका नॉन वर्बल बिहेवियर है। सो वो प्रिडिक्शन कई बार क्या हो सकती है, जो ऑब्जर्वर है उसकी गलत हो सकती है, इसलिए ऑब्जर्वर का ट्रेंड होना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये है गैलोवे का सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस लगा लीजिए, इंटरेक्शन एनालिसिस, कि कैसे टीचर जो है वो इंटरेक्ट करता है क्लास के अंदर, उसका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से डिटेल में आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। सो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां पे इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।